दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फीमेल हनी गुड़ामी कैसे ब्रीड करती है। उसके फर्स्ट प्रोसेस में जो मेल है वो ऐसे बबल नेस्ट बनाता है जिसमें कि वो फीमेल हनी गुड़ामी को लोअर करता है ताकि वो बच्चे दे। जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हो, वो कोशिश करता है कि वो बबल नेस्ट के नीचे उसे लाए ताकि जिससे वो कर्ल करके उसमें से जो अंडे है वो निकाल सके। अभी ये जो आप देख रहे हो इसे कर्लिंग कहते हैं, ऐसे कर्ल करता है जो मेल है फीमेल को कर्ल करता है। आगे की वीडियो में आप देखोगे कि कैसे वो बच्चे बाहर निकलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि कैसे बच्चे बाहर आ रहे हैं, आ गए जब मेल ने फीमेल को निचोड़ लिया। तो इसके बाद जो है जो मेल होता है वो सारे जो अंडे होते हैं अपने मुंह में एक्युमुलेट कर लेता है ताकि फीमेल उसे खाए ना, और फिर जो सारे अंडे होते हैं वो अपने बबल नेस्ट में लगा देता है। उसी में वो फर्टाइल हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं, और उसी प्रोसेस में जो फीमेल होती है वो बच्चे खाने की कोशिश करती है। इसलिए वो उसे जो मेल होता है वो उसे मार के भगा रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। हालांकि मैं इनके बच्चे रेज नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने ब्रीड जो किया था वो कम्युनिटी टैंक में किया था, इसलिए आप चाहो तो अपनी एक अलग टैंक बना के आप उसे ब्रीड कर सकते हो। काफ़ी आसान होता है, और मैं ये कहूँगा कि ब्रीडिंग के कुछ एक हफ्ते पहले आप उन्हें लाइव फूड देना चालू करें ताकि आपको ब्रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले। ठीक है, और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाओ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।